कैसे आप सब लोग, आपका स्वागत है अंशनिमेश में। मैं हूँ और आ गया हूँ मैं अपनी सारी बुक्स का फिफ्थ ग्रेड के सिलेबस को रिवील करने। तो मैं पहुंच चुका हूँ ग्रेड फाइव में, फोर्थ क्लास में। मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो गया हूँ और आज मैंने अपनी बुक्स परचेज की है। और ये देखिए, ये है मेरी सारी बुक्स और इन सबको आज मैं आपका पूरा सिलेबस और इनका इंडेक्स और सारी चीजें रिवील करूंगा। तो चलिए, आपको मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने फोर्थ क्लास के सिलेबस को रिवील किया था वो आपको बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं आ गया हूँ फिफ्थ ग्रेड के करने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट, तो गाइस, मैं आईसीएससी बोर्ड स्कूल में पढ़ता हूँ और चलिए अब देखते हैं आईसीएससी बोर्ड फिफ्थ क्लास सिलेबस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है माई टेक्स्ट बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स, ये कुछ डायरी और ये स्टोरी बुक्स, नॉवल्स, और ये हो गई हमारी सारी नोटबुक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं बुक्स पे। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक में है ये सबसे फर्स्ट एम्पावरिंग इंग्लिश रिटन बाय उषा पंडित। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग इसका इंडेक्स। तो अभी हम लोग इसे ओपन करते हैं। ये है इसका इंडेक्स जहाँ पे आप देख सकते हैं 32 चैप्टर्स। ये देखिए इसके कंटेंट्स है, चैप्टर्स, ये यहाँ पे ये 32 चैप्टर्स है। तो चलिए ये देखिए, अब ये कुछ अंदर से ऐसे बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे, एम्पायरिंग इंग्लिश फिफ्थ ग्रेड के बाद आई है हमारी एसेंशियल साइंस फॉर आईसीएससी स्कूल्स। तो चलिए, ये गोयल ब्रदर्स प्रकाशन ने पब्लिश की है। तो ये इस पे क्या हम लोग इंडेक्स देखते हैं, तो यहाँ पे इसके इंडेक्स पे यहाँ पे हमें टोटल मिल जाएंगे। ये थीम वन है ह्यूमन बॉडी द स्केलियो सिस्टम। यहाँ पे हमें टोटल 12 चैप्टर्स इस बुक पे देखने को मिलेंगे। तो अभी नेक्स्ट बुक पे आते हैं, ये होगी अपनी एसेंशियल साइंस। बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है साइंस को। तो नेक्स्ट बुक है हमारी फाउंडेशन मैथमेटिक्स, माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसको देख लीजिए, फॉर आईसीएससी स्कूल्स एज यूजुअल। तो अभी मैं इसका इंडेक्स ओपन करता हूँ। ये रहा इसका इंडेक्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे लार्ज नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, एचसीएफ, एलसीएम, बहुत सब देखने को मिल जाएगा। और ये बुक कंटेन करती है 16 चैप्टर्स। तो ये इसके सारे चैप्टर्स है। सो दिस इज फिफ्थ क्लास मैथ बुक। ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। और तो अभी हम लोग नेक्स्ट बुक पे आते हैं, इसको भी साइड करते हैं। ये है व्याकरण पुष्प, ये ग्रेड फाइव के लिए है। इसका इंडेक्स हम लोग अभी देख लेते हैं। इसके इंडेक्स हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण की बुक, ये है विषय सूची। इसमें आपको 26 चैप्टर्स मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है, जैसा कि आप इसके फर्स्ट पेज पे ही देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छे से सब समझाया गया है। तो चलिए अभी हम लोग इसको साइड करते हैं। अब आएगी हमें उसकी मोती यानी हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिफ्थ ग्रेड। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इसके इंडेक्स पे। इंडेक्स पे आपको मिलेगा, ये इसका इंडेक्स है, इसमें 16 चैप्टर्स ये बुक कंटेन करती है। और ये बहुत ही बढ़िया बुक है, ये देखिए। चलिए अभी हम लोग इसको साइड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी देवभाषा या कक्षा पांच। देवभाषा जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत। तो अभी हम लोग इसके भी इंडेक्स पे आते हैं। आज मुझे पता है कि इस बुक में, ये रहा इसका इंडेक्स जहाँ पे आपको मिलेंगी। तो गाइज, ये है संस्कृत बुक का इंडेक्स, इसमें 22 चैप्टर्स है, आप देख सकते हैं। अंदर से बुक कुछ ऐसा दिखती है, ये देखिए। इसके चैप्टर से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। अब है लॉ, आईसीएससी लॉजिक्स 2.0 फिफ्थ ग्रेड के लिए। आप समझ गए होंगे, मींस कंप्यूटर की ये बुक है। अभी हम लोग आते हैं इंडेक्स पे।
और इंडेक्स पे ये है इसका कंटेंट्स, ये इस पे टोटल है 7 chapters और ये कुछ वर्कशीट्स, प्रोजेक्ट वर्क, सॉल्व द पजल, बहुत सारी चीज़ें कंटेंट्स करके ये देखिए, और अच्छी बुक है, अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। आप इसका फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे, इसको साइड करते हैं। और ये मेरा फेवरेट जो कि मैंने अभी देखा है, ये है स्कूल एटलस, मीन्स आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी टाइप में। तो ये इस पे आपको इंडेक्स पे आपको मिल जाएगा बहुत से चैप्टर्स यहाँ पे इंडिया के बारे में, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया एंड इधर बहुत सारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और पोलर रीजन और वर्ल्ड के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ये देखिए अंदर से बुक कुछ ऐसा दिखती है, ये सब मैप्स और ये सब इंडेक्स और ये सब एटलस मीन्स ये सारे वर्ल्ड के मैप्स को कंटेन करती है। यहाँ पे आपको सारे वर्ल्ड के कैपिटल्स और कंट्रीज पता चलेंगी। ये है ये बुक, ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट बुक पे। अब हमारी बुक्स तो ओवर ही हो गई है, तो अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस बुक्स पे। वो सारी रीडिंग बुक्स थी और ये है, ये प्रैक्टिस बुक्स है। तो फर्स्ट बुक प्रैक्टिस बुक्स में हमें लिखना भी होता है, जैसा कि होता है कि इसमें हमें होमवर्क मिलता है, वर्कशीट्स है। तो फर्स्ट बुक आती है इंग्लिश ग्रामर 5 प्रैक्टिस बुक है। ये प्रैक्टिस बुक भी है और ये एक टाइप पे बुक भी है जहाँ पे आपको सारे डेफिनेशंस और ये सब दिखाया गया। इसमें बेसिकली कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें आपको वर्क्स है और पूरे सारे चैप्टर के डेफिनेशंस दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मेक सेंटेंसेस, ऐसे ऐसे वर्क्स होंगे जो कि हमें क्लास वर्क या होमवर्क दिए जाएंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये कुछ अंदर से ऐसी दिखती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी राइजअप जीके के, राइजअप सीरीज की जीके मींस जनरल नॉलेज की बुक है ये। ये हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो गाइज ये है इसका इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे बहुत से चैप्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक साइंस अहेड, ऐसे ऐसे बहुत से चैप्टर्स यहाँ पे। मैं काउंट करके आपको बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टेस्ट शीट्स दी गई है, इन्हें पेजेस पे जाएगी और ये कुछ टेस्ट शीट्स हैं। अंदर से बुक बहुत ही अच्छी दिखी थी, है बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है इसके अंदर, देख सकते हैं। ये है जीके बुक ग्रेड 5 की। अभी हम लोग इसको साइड करते हैं। ये हो गई हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस बुक। जैसा कि आपको बुक दिखा, आपने बुक देखी थी, वैसे ये प्रैक्टिस बुक है। तो यहाँ पे भी आपको वही सब दिखेगा जो कि यूजुअली प्रैक्टिस बुक में होता है। आपको कुछ काम होंगे जो क्लास वर्क्स और होमवर्क पे दिए जाएंगे, जैसा कि आज यूजुअली आप देख सकते हैं। ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, एकदम ब्लैक एंड वाइट। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं मैथमेटिक्स, माय फेवरेट सब्जेक्ट। प्रैक्टिस बुक है अभी, ये तो ग्रेड 5 की बहुत पक्की बुक है। तो अभी इसको देखते हैं, इसमें भी एज यूजुअल जैसे कि आपको वो क्लास वर्क्स और होमवर्क्स मिलेंगे। ये कुछ अंदर से ऐसे दिखते हैं, आपको एरिया दिया गया है सॉल्व करने का और अपना एक्सप्रेस करने का अपना ओपिनियन। तो ये रही कुछ अंदर से ऐसे दिखती है। अभी हम लोग इसको भी सेट करते हैं। नेक्स्ट आती है साइंस की प्रैक्टिस बुक 5। तो चलिए, जैसा कि आपको बुक मैंने दिखाई थी और एज यूजुअल इसमें भी वही है, आपको क्लास वर्क और ये करना है। अंदर से बहुत ही अच्छी दिखती है, इलस्ट्रेशन इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से साइंस को समझाया गया है, दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि ये प्रैक्टिस बुक। ये देखिए आपको यहाँ पे काम मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे, आपको बुक के हिसाब से सारे काम क्लास वर्क और ये मिलेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे इलस्ट्रेशन इनका बहुत अच्छा है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये है सोशल स्टडीज मीन्स SST। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस असाइनमेंट्स है, इसीलिए मैंने इनको प्रैक्टिस बुक के साथ रख दिया था। यहाँ पे आपको इंडेक्स दिखेगा, इंडेक्स इसका कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। ये कुछ 18 chapters कंटेन करती है ये पूरी बुक।
यहाँ पे आपको ये पूरा अंदर से दिखेगा, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं। लास्ट में आपको एक अलग सी बुक एडेड मिलेगी यहाँ पे, जिसपे आपको कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट और ये सब मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पे दिख रहा है। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एकदम नेक्स्ट पे, आपको ये आपको मिलेगी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पोस्टर आपको मिलेगा, ये देखिए, जो कि आपको इंटरनेट के बारे में बताता है। ये बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा पोस्टर है जो कि इंटरनेट और ट्रेजर के बारे में बताता है, इसका हेडिंग भी यही है। तो अभी हम लोग इसको बंद करते हैं और इस बुक को साइड में करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं हमारे कुछ डायरीज और ये सब नोवेल बुक्स पे जो कि किसी की स्टोरी है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैटिट्यूड जर्नल पे आते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल में जैसे कि हमारे बेसिकली स्कूल में अगर हम किसी से थैंकफुल होते हैं तो हम उसके बारे में ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते हैं। एकदम पूरी वाइट ये है, इसके अंदर आपको अपने हिसाब से अपनी लाइन्स ड्रॉ करनी है जहाँ पे आप लिखेंगे, और यहाँ पे आपको आपको इलस्ट्रेट भी करना है उस चीज़ को। तो अभी हम लोग इसको साथ में करता, ये हो गई हमारी कैप्टन मनोज कुमार पांडे की पूरी लाइफ की स्टोरी। जैसा कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे को आप जानते ही होंगे जो कि बॉर्डर पे शहीद हो गए थे, जो कि लखनऊ से थे। तो यहाँ पे आपको उनकी फुल स्टोरी दिखेगी और यहाँ पीछे आपको एक लिस्ट दिख जाएगी जो कि हमारे परम वीर चक्र विजेता, और यहाँ पे एक और अवार्ड है इन सब के विजेता, जो ये सब लोग जीते हैं जो वो सब आपको इनका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे नंबर वन पे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ऐसे सब है। और ये पूरी बुक उसी को उन्हीं की लाइफ की स्टोरी को बताती है जो कि 36 पेजेस कंटेन करती है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी नोटबुक्स। तो यहाँ पे हमारी नोटबुक्स है, जैसा कि हमारे साथ सारी यूजुअली है, जैसे ये हमारा हो गया मैथ 10 का और आपने यहाँ पे आपको खाली स्पेस मिली, ये हिंदी का है और आपको ऐसे ही सारे इंग्लिश सारे, ये अब डबल साइडेड है तो अभी हम इसको भी करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे ही साइंस SST और इंग्लिश की ऐसी आपको कॉपीज मिलेगी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास अभी, ये है 10 नोटबुक्स जो कि मैथ साइंस इंग्लिश और इन सब की हुए हैं। तो अभी ग्राफ नोटबुक ऐड हुई है, यहाँ पे आपको ग्राफ नोटबुक पूरी नई ऐड हुई है, ये देखिए, इसका इनको मिल जाएगा एक रजिस्टर, प्रैक्टिकल रजिस्टर आपको पूरे दो दो डबल डबल दिखेंगे, ये देखिए। एक को मैं साइड करता हूँ, ये रहा दूसरा रजिस्टर जिसमें वन साइडेड है, एक साइड लिखने के लिए, एक साइड आपका ये खाली साइड है, एक साइड लिखने के लिए और एक साइड खाली है यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने के लिए। तो अभी हम और ये है मेरी ड्राइंग और स्क्रैप नोटबुक्स जो कि मिलती है, ये देखिए। एट लास्ट अब मैं आपको दिखाऊंगा ये मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की किट, हमें क्या क्या मिला है, बुक्स में क्या है, इनके डेकोरेटिव आइटम क्या है। तो ये भी मैंने ओपन किया, यहाँ पे आपको एक शीट मिल जाएगी जहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम, यहाँ पे स्टिक है, यहाँ पे कुछ घास टाइप, फिर यहाँ पे ग्लिटर है, यहाँ पे कोई टाइप की रोप है, यहाँ पे या तो वूल है या तो यहाँ पे कॉटन है, और ये सब हमें क्राफ्ट की बुक पर पेस्ट करना होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे हमें मिलेगी क्राफ्ट की बुक, ये देखिए इसको निकाल लेता हूँ। तो ये रही है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडेक्स, तो इंडेक्स पे अभी हमें यहाँ पे ये 20 पेजेस का ये है, यहाँ तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जैसे ये ओरिगैमी डॉग, ये सब 20 पेजेस की पूरी बुक है, यहाँ पे आपको ये सब स्टिक करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे आइटम्स दिए गए वही आपको यहाँ पे स्टिक करना है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे आपको पेपर्स दिए जाते हैं ये सब करने के लिए, क्राफ्ट आइटम के लिए। तो ये हमारी क्राफ्ट की बुक हो गई, अब इसको साइड करके हम लोग निकालते हैं आर्ट की। ये हो गई अपने आर्ट की ग्रेड 5 की।
तो यहाँ पे अभी हमको एक इंडेक्स यहाँ पे भी मिलेगा। ये है कलरिंग बुक, इसमें हमें बस कलर ही करना है। यहाँ पे 32 पेज की ये बुक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको शेडिंग करनी है, कलरिंग करनी है, और आपको बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग, कलरिंग, शेडिंग, ये सब करना है। अभी हम लोग इसको सर्व करते हैं। तो सारी बुक्स, सारा सिलेबस मैंने आपके सामने रिवील किया है, मैंने आपके सामने ये सारी बुक्स और नोटबुक्स का सब दिखाया है। अगर आपके घर में कोई फिफ्थ क्लास में जाने वाला होगा या फिर आप किसी का एडमिशन करवा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो फिफ्थ क्लास में जाने वाला है, जो फिफ्थ क्लास में गया है अभी उसके साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।